इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो आ रही है राजधानी दिल्ली से। एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। कहते हैं जिन रास्तों पर खड्डे नहीं होते वो रास्ते ज्यादा लंबे नहीं होते। हमारी आम जिंदगी में ऐसी बहुत सी रुकावटें आती हैं जहां कोई अचानक हमें रास्ता दिखा जाता है, जिनका हमारी आम जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, वही हमारा रखवाला बन जाता है, हमारा उद्धारक बन जाता है, हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे जाता है। जाने एक दूसरे से हम मगर है रिश्ता इंसानियत का, कहीं खुशी है और कहीं है गम, बदले जिंदगी के रंग क्या बदावत का। मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रेन के लिए लेट था। बटन लकी नहीं था, वहाँ उन्हें पहली बार देखा, मेरी सीट पर बैठे थे, परेशान, काफ़ी बुरी हालत में थे। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं थी और उन्हें अपनी सीट पर ही बैठने को कहा। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें दिल्ली जाना है और वहाँ जाना उनके लिए कितना ज़रूरी है। मेरी फ्लाइट फुल थी, अगले दिन मेरा आईएएस का एग्जाम था, पर कैंसिलेशन का वेट नहीं कर सकता था। बुरे वक्त में लोग किसी बड़े आदमी की पहचान का फायदा उठाते, मेरा ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था। इधर उधर बात करी, तभी मैं पलटा और देखा कि दो दिन पहले जो अंकल ट्रेन में मिले थे वो अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने बताया कि मेरी फ्लाइट फुल है और मेरा बैंगलोर जाना कितना जरूरी है। उन्होंने मेरे हाथ से टिकट ली और कहा मेरा वेटिंग रूम में इंतजार करो।
मैं टिकट करवा कर लाता हूँ। मैंने कहा फ्लाइट फुल है, आप कैसे करेंगे? वो चले गए। मैं परेशान था। सामने आए और टिकट देकर बोले, जाओ अपने सपने पूरे कर लो और फिर पलट कर मत देखना। कहते हैं जिन रास्तों पर खड्डे नहीं होते वो रास्ते ज़्यादा लंबे नहीं होते। कुछ ऐसे ही लोग जब अचानक से आ जाते हैं और राह दिखा जाते हैं, यही असली उद्धारक होते हैं। As the nation prays for her recovery, the father of the rape survivor says his daughter's tormentor should be given the death penalty. He's also asking all protesters at India Gate to maintain calm. इस समय हमारे बेटे की हालत तो बिल्कुल ठीक है, पहले से अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी जो और हमारी बिटिया को ठीक होने के लिए भगवान से अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उपद्रव से कोई फायदा नहीं होगा। हम चाहेंगे कि इनको मौत की ही सजा दी जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दो लाख अट्ठाईस हजार छह सौ पचास केसेस आज भी दर्ज हैं अगेंस्ट वुमेन, जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। व्हाई इज दिस जस्टिस? अगर हमारा कानून इतना स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, देन व्हाई इज आवर सोसाइटी नॉट सेफ फॉर वुमेन इक्वली? हम क्यों उन्हें वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट नहीं देते? व्हाई? And I'm terribly disturbed by this. I'm very worried about the parents of this deceased girl. Delhi jo dilwalon ki kahi jati is the most unsafe place for a woman in the world. Why? Is this justice? Kis tarah ki ghatna ki shikar mahila na zinda mein rahi aur na mare mein rahi. Wo ek jeevit laash ban kar ke apna jeevan jiyegi agar bach gayi to. We blame the government. We blame the police of not doing anything. What we are doing? हम सिर्फ घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं अपनी बहनों और माओं के साथ ये सब होने का? हमें हमारी सोच को बदलना होगा। We have to change our mentality and then only the nation will change. हमें अगर वैल्यूज देनी है तो हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज चाहिए और ऐसी वैल्यूज हमें लानी होगी। लॉज की रिस्पेक्ट करनी होगी। आई अपील टू द कोर्ट दैट वी वॉन्ट जस्टिस नॉट फॉर ओनली दिस केस बट फॉर ऑल द केसेस दैट आर पेंडिंग इन द कोर्ट। अगर आज माफ कर दिया कल माफी के लायक भी नहीं रहेंगे। नारी है तो देश है, तो देश है तो देश। नारी नहीं, नारी नहीं, नारी नहीं तो ये देश भी जिंदा नहीं रहेगा। देश भी जिंदा नहीं, 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 देश भी जिंदा नहीं।